सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में अगर हम बात करें तो अपने को बैंक निफ्टी फाइनल क्लोजिंग मिली है 43,769 की, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से 191 पॉइंट्स मार्केट ने प्लस में क्लोजिंग दी है। सो अब अपन चलते हैं फुल चार्ट पे। एज यू कैन सी अपना 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, समथिंग अराउंड 191 पॉइंट्स मार्केट ने प्लस में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के नियर अबाउट मार्केट आके अपने क्लोजिंग देता है, जो कि नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात अपने लिए है। तो हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जिसपे अपन अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं, जो कि अपने डॉट टू डॉट वर्क कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी अपना ये है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमने जो मार्क करके रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू हो तो आपको पता होगा कि हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डॉट टू डॉट वर्क कर रहे हैं। तो हमने आज बात की थी, कल के ट्रेडिंग सेशन में बात की थी, मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है तो अपन क्या फॉलो करने वाले। अगर आप चैनल पर कंटिन्यू हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पहली पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने हमने बात की थी, अगर मार्केट अच्छी क्लोजिंग के साथ प्रोजेक्शन क्रिएट करके ऊपर की साइड निकलता है तो अपने को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में वैसा ही बिहेव किया, लेकिन मार्केट ने एक दिक्कत की। तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसपे अपन ट्रेड लेते हैं, अपनी लर्निंग करते हैं। तो मार्केट समथिंग अराउंड इस जोन के समथिंग अराउंड ओपन ओपन होता है, लगभग फ्लैट। ओके, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, देन यहाँ पे मार्केट कुछ बिहेव करता है साइडवेज, एंड जो अपन नीचे सपोर्ट्स क्रिएट करके रखा है 43,500 के लगभग, सॉरी हाँ 550 के समथिंग अराउंड जो सपोर्ट क्रिएट करके रखा है, तो देन उसका मार्केट जैसे इसका सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पे कुछ ऊपर की साइड मोमेंटम देता है, जैसे ही सॉरी रेजिस्टेंस को निकालता है तो अपने को एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, जो कि ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया 83 पॉइंट्स प्लस में। अगर हम इसको मेजर करें तो पूरी कैंडल ने मार्केट में दिए, अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं मार्केट में ब्रेकआउट के साथ, तो फुल मार्केट ने कैंडल ने हाई लगाया है, समथिंग अराउंड 100 पॉइंट्स की ये कैंडल अपने को देखने को मिलगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे अपने को एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर अपने को काफ़ी अच्छा अमाउंट अपना क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव करता है इन मार्केट क्लोजिंग देखो, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर ही दी है, लेकिन और देखो इसी के साथ मार्केट ने होल्ड भी किया है। ठीक है, क्लोजिंग के साथ मार्केट ने होल्ड किया, जैसे हमने बात की थी कि मार्केट क्लोजिंग देके ऊपर होल्ड करके अगर निकलता है तो अपने को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है एंड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिव होने की वजह से वापस मार्केट में नीचे की साइड मोमेंटम आता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ लोग जो रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। देन यहाँ पे अगेन मार्केट इसी जोन के समथिंग अराउंड आके सपोर्ट लेता है, देन वापस अगेन सॉरी बायर्स एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे मार्केट अपसाइड मोमेंटम में देता है एंड क्लोजिंग देता है 1 आवर टाइम फ्रेम की, देन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, जो कि अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो अपने पास अभी क्या है, 3 दिन मार्केट बंद रहने वाला है, सैटरडे संडे एंड मंडे को भी मार्केट बंद रहने वाला है। तो अपना मार्केट खुलेगा अब सीधा डायरेक्ट 28 नवंबर को। तो आज के मार्केट में लर्निंग यही थी। अगर हम कल के मार्केट सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट में अपने को क्या सीनरी देखने को मिल सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अपने पास यही सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस रहने वाले जो अपन ने मार्क करके रखे हैं। ओके, देन इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है, गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो हमारे पास क्या सीनेरियो रहने वाला है। अगर ऊपर की साइड मार्केट निकलता है तो अपने पास एक ये गैप एंडिंग पड़ा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है 43,872 से लेके 44,078 तक का एक जोन अपने पास पड़ा है, जो कि एज ए गैप है जिसको मार्केट फिल करने के लिए जा सकता है। तो देखो अगर हम नोट करें तो मार्केट में बायर्स एक्टिव है। ओके, मार्केट अगेन एंड अगेन अपना हाई क्रिएट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओके ऊपर की साइड मोमेंटम देता है, होल्ड करता है एंड कुछ नीचे की साइड होता है, लेकिन वापस बायर्स अपना डोमिनेट करके मार्केट को ऊपर की साइड ले जाते हैं, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है अपने को। ओके, अगर मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी जोन में खुलता है देन जैसे ही ऊपर निकलता है तो अपने एक मोमेंटम के साथ ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। एंड मार्केट इसी जोन में निकल के नीचे की साइड आता है तो अपने पास ये सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे वर्क करने वाले हैं एंड अपने पास ये तो कंफर्म हो गया कि बायर्स मार्केट में एक्टिव है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप खुलता है समथिंग इस जोन के अराउंड या फिर गैप के
अंदर, तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना काफी जरूरी है। ओके, देन यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शन मार्केट क्रिएट करता है उसी के साथ हम मार्केट को फॉलो करने वाले हैं। तो सेम सिनेरियो यही रहेगा अपने पास, मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मार्केट क्या प्रोजेक्शन क्रिएट करता है उसी के साथ हम मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं। तो यही था अपने पास आज के मार्केट में। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मैंने बात कर चुके हैं, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।